आज हम एक मोटिवेशन टॉपिक पर बात करेंगे। मैं उन घर की महिलाओं को, उन बेटियों को जो घर में रहती हूँ, उनको कुछ बताना चाहती हूँ और उनसे थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। उनको ये बताना चाहती हूँ कि हम अपने घर में रहते हुए भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और कभी भी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर वो कमी है। अगर हम हमेशा अपनी कमियों को ही ढूंढते रहेंगे तो आगे बढ़ने की सोचेंगे कैसे। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो हमें कुछ अच्छा सोचना होगा, कुछ पॉजिटिव सोचना होगा, नेगेटिव सोच को दूर रखते हुए। तो आज मेरा टॉपिक यही है कि हम घर में रहते हुए भी अपने आप को कैसे मोटिवेट करें, कैसे आगे बढ़ाएं और अपनी ज़िंदगी से नेगेटिविटी को कैसे दूर करें। हम घर में कितने काम करते हैं, हर एक काम कितना मन लगा के करते हैं और कितनी दिमाग और कितनी बुद्धि के साथ में करते हैं। तो इसी तरीके से हम अपनी ज़िंदगी में जो भी करते हैं उसको क्यों ना हम अच्छे तरीके से करें, उसको क्यों ना हम पूरी ईमानदारी के साथ करें, तो उसमें सफलता हमें क्यों ना मिलेगी। जब भी हम किसी काम को करते हैं तो उस काम को करने में हम बड़ी मेहनत करते हैं कि ये अच्छा हो। कोई भी खाना बनाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट होना चाहिए। तब तक जब तक कि कोई हमारी तारीफ़ ना कर दे, तब तक हमको ऐसा लगता है कि शायद खाना अच्छा नहीं बना होगा, इसीलिए शायद किसी ने कुछ बोला नहीं है। बट मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि कोई हमारी तारीफ़ करे तभी हमको अच्छा लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी दूसरे के कमेंट के ऊपर क्यों अपनी ज़िंदगी निकालें, क्यों अपनी ज़िंदगी को किसी दूसरे के ज़रिए से जिएं, क्यों ना हम अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को जिएं और अपने कुछ एम बनाएं जो हमें अपनी ज़िंदगी में पाने हैं। क्यों ना हम अपने कुछ ऐसे विचार बनाएं अपने मन में, ऐसी सोच बनाएं कि नहीं, मुझे भी ये करना है। जब वो ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मेरे अंदर क्या कमी है। हर इंसान को अपनी सोच को बदलना चाहिए, यही मेरा मानना और बोलना। कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, सिलाई कढ़ाई बुनाई या फिर कोई भी काम करूँ तो पता नहीं मैं उसको अच्छे से कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। बहुत सोचती थी मैं अपने बारे में और अभी भी बहुत सोचती हूँ। बहुत सोचने समझने के बाद ही कोई डिसीज़न लेती हूँ। इसी तरीके से सभी को अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बनानी होगी, तभी हम अपने काम को कर पाएंगे। दुनिया से हमें क्या करना है, दुनिया वाले क्या बोलते हैं, अच्छाई कभी दुनिया याद नहीं रखती है। लोगों को याद उनको रखती है जो अच्छे काम करके चले जाते हैं। और बुराई अगर कोई भी करेगा तो बुराई तो इधर से उधर हो जाएगी, बट अच्छाई बहुत मुश्किल से आगे बढ़ती है। इसी तरीके से हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में मेहनत करनी चाहिए। मैं भी जब कोई काम स्टार्ट करती हूँ तो पहले सोचती हूँ कि पता नहीं मैं इस काम को कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। पहले मेरा यही था सोचने का, लेकिन जब से मैंने अपने आप को देखा कि नहीं, मैं इस काम को कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती, जब सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, बस इसी सोच के साथ मैं अपना हर काम करती हूँ। और भगवान की कृपा से मैं हर काम में सक्सेस भी होती जा रही हूँ। तो बस मेरी सोच यही है कि हर इंसान अपने अंदर अपने खुद को इतना मोटिवेट करे, इतना आगे बढ़ाए कि किसी तीसरे की उसको आवश्यकता ना हो। लेकिन फिर भी हमारे पास एक दोस्त का होना या किसी का भी होना, कोई इंसान जो हमें मोटिवेट करे, उसकी आवश्यकता हर इंसान को होती है अपनी ज़िंदगी में। मुझे भी पड़ी, लेकिन मेरे आसपास खास करके मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। हमेशा जब पढ़ाई छोड़ने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं कभी पढ़ पाऊँगी कि नहीं पढ़ पाऊँगी, पता नहीं मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, कि बस यहीं तक मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। लेकिन फिर मैं सोचती तो थी पढ़ने के बारे में, लेकिन बच्चे छोटे थे और शादी भी मेरी जल्दी हो गई। इसके बाद फिर सोचती रही हमेशा कि बस अब पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, पढ़ाई करूँगी तो पता नहीं पढ़ पाऊँगी अब कि नहीं पढ़ पाऊँगी। कोई बड़ा काम करने से पहले तो बस ऐसा लगता था कि पता नहीं, शायद नहीं कर पाऊँगी, मुझे अपने ऊपर ही विश्वास नहीं था। लेकिन जब धीरे धीरे मैंने अपने आप को मोटिवेट किया, अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखा, सोचा कि अगर मैं आगे बढ़ जाऊँगी तो दुनिया तो वैसे भी बुराई कर रही है, अच्छाई तो कोई नहीं करता है, पीठ के पीछे तो सभी लोग बुराई करते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार रिस्क लिया जाए ज़िंदगी में। तो मैंने फिर से पढ़ने के बारे में सोचा और किताबें इतने की ख़रीदूँगी, पता नहीं पढ़ पाऊँगी कि नहीं पढ़ पाऊँगी, जब लोग देखेंगे कि इसके दो दो बच्चे हैं क्या पढ़ेगी, पागल बना रही है सब लोगों को, ऐसे कर रही है वैसे कर रही है, लोगों की सोच तो यही होती है ना। तो मैं भी यही सोचती थी कि पता नहीं, बुक्स ख़रीद तो लूँगी लेकिन पता नहीं पढ़ पाऊँगी कि नहीं पढ़ पाऊँगी, टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे पढ़ूँगी, इतने साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए, कैसे पढ़ पाऊँगी, बस यही हमेशा सोचती रहती थी। और बच्चों के साथ भी यही हमेशा सोचती रहती थी कि
कैसे पढ़ूंगी, क्या करूंगी। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप को जब मोटिवेट किया, जब पहले दिन बुक्स को खोल के देखा तो लगता था कि पता नहीं क्या ही मैं पढ़ रही हूँ। लेकिन जब मैंने अपने आप को लगा कि नहीं यार, जब मैं पढ़ाई, पहले भी तो मैंने यही पढ़ा था, अब भी मैंने यही पढ़ना है मेरे को, तो बस फिर मैंने सोच लिया कि अब मुझे आगे पढ़ना है। और मेरे हस्बैंड ने मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प की इस काम में, और मेरे मम्मी जो थी वो भी मेरी बहुत अच्छी हैं, हमेशा वो पॉजिटिव सोचती हैं और हम लोगों को भी पॉजिटिव बात करती हैं, हमेशा हमसे बताती हैं, जब भी हमसे बात करती हैं तो पॉजिटिव बात करती हैं। इसी तरीके से मेरे हस्बैंड ने मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया, उन्होंने बोला कि आपकी खुद की इच्छा होना चाहिए काम करने के लिए, हर काम में उन्होंने मेरा साथ दिया। सबसे ज़्यादा तो मैं उन्हीं को धन्यवाद देना चाहूँगी, और अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हों तो खुश हों बहुत ज़्यादा। दूसरों को देख के कभी भी अपने काम की शुरुआत ना करें, अपना मन जो करें, जो हम सबसे अच्छा कर सकते हैं जिस काम को, उसी काम को करें और उसी काम को आगे बढ़ाएं। ऐसा नहीं है कि वो ये कर रहा है तो मैं भी ये करूँगा या मैं भी ये करूँगी, वो ये कर रही हैं तो मैं भी ये करूँगी, उन्होंने ऐसे पहन के रखा है तो मैं भी ऐसे पहनूँगी, नहीं। अगर हमें अपनी पहचान बनानी है तो अपने खुद के नियम, खुद के कानून बनाने होंगे, तभी हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। सॉरी, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि किसी भी काम को करें तो उसको पूरी ईमानदारी के साथ करें और अपने आत्मबल को बनाए रखें, हमेशा हमेशा अपनी ईमानदारी के साथ करें। और वैसे भी नेगेटिव बातें करने वाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव थिंक वाला कोई भी इंसान हो उसका साथ लें। पॉजिटिव ही थिंक देती हूँ, पॉजिटिव ही सोचने के लिए बोलती हूँ और कहती हूँ कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में करे कुछ ना कुछ, किसी को पीछे खींचने से अच्छा है कि हम उसे आगे बढ़ने की सलाह दें। और बस यही कहना चाहूँगी मैं आप सभी को, और इसी के साथ आज मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, लगता है अंदर से कि हाँ हमें कोई देख रहा है या हमारे बारे में भी कोई सोचता है या हमें भी कोई सुनता है, तो इसीलिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।